स्पेन का स्क्वाड आ चुका है फॉर यूरोज 2024 29 फोर मेन की एक प्रीलिमिनरी लिस्ट आई है जिसमें से तीन प्लेयर्स को कट ऑफ किया जाएगा क्योंकि ओनली 26 सिक्स मेन स्क्वाड जाना है इस यूरोज के लिए बट यहाँ पे काफी लोगों का वंडरिंग होती है कि भाई स्पेन कैसा करेगी अंडर न्यू मैनेजर हमने देखा ऑब्वियसली देव वन द नेशंस लीग इटली को हराया फाइनल में क्रोएशिया को हराया पेनल्टी पे एंड यस ठीक है उनको एक टाइटल मिल चुकी है नेशंस लीग की सबको पता है भाई कि आज यूरोज एंड वर्ल्ड कप ही है जो कि मेजर टाइटल्स हैं और स्पेन को देखोगे दो हजार बारह के बाद से उन्होंने कोई ऐसी मेजर टाइटल जीती नहीं है एंड यस हम कह सकते हैं यहाँ की गोल्डन जनरेशन का ये टाइम अब नहीं है दिस इज मच मोर ऑफ अ रियलिस्टिक अप्रोच या फिर एक मच मोर ऑफ अ नॉन जनरेशनल स्क्वाड ऑफ स्पेन और ये बात पता है स्पेनिया को पता है काफी सारे स्पैनिश लोगों के अगर आप कमेंट देखो उनके अगर आप आर्टिकल्स पढ़ो एक्सेट्रा तो एवरी वन नोज दिस इज नॉट अ गोल्डन जनरेशन ऑफ स्पेन सो उनकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है बट स्टिल दे वांट समबडी हु नोज दिस स्पेन स्क्वाड टू स्टर स्टर्द शिप इन द राइट डायरेक्शन अब जो Funt, अदर 19, अदर 21, इनके करंट कोच है लुइस डी फ्यूंथ ये अंडर नाइनटीन अंडर ट्वेंटी और अंडर ट्वेंटी के कोच रह चुके हैं इनके टाइम पे स्पेन ने अंडर ट्वेंटी वन यूरोज भी जीता था जहां पर इनके काफी सारे प्लेयर्स थे जुबे मिंडे एक्सेट्रा उनके अंडर ऑलरेडी खेल चुके हैं अब यहाँ पे जो स्पेनिश फेडरेशन था ना लूचो के जाने के बाद से दे हैड अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी यार कि अब वो एक बड़ा नाम लेके आए यहां पे समोन लाइक अ पेप गोअ्योला समोन लाइक एलगुआसिल कोई भी कोई भी मिकेल आटेटा हो गए ऊना एमरी हो गए बट उस पॉइंट टाइम भी ये सारे जो कोचेस थे ना ये अपने क्लब में बहुत ज्यादा बिजी थे तो दे हैड हाँ टू गो ऑन एंड उनको एक ऐसा मैनेजर लाना पड़ा जो कि इस टीम को जाने अब देखो बेसिकली क्या है ना स्पेन की अगर मैं बात करूँ तो दे दे नेवर हैड हाँ एनी स्टार प्लेयर उनका सिस्टम उनका स्टाइल ऑफ प्ले ही उनका स्टार होता था तो इट वॉज मच मोर ऑफ अ टीम आइडेंटिटी रादर देन एन इंडिविजुअल क्वालिटी Be like कोई उनकी टीम में हार्लेंड नहीं है उनकी टीम में कोई क्रिस्टियानो या लियो मेसी नहीं है बट प्लेयर्स दे हार्ड द स्टाइल ऑफ प्ले एंड एंड हाउ दे यूज्ड टू ओपोनेंट्स बट लूचो के अंडर हमने जब जो ये वर्ल्ड कप की कैंपेन देखी ना मेरे भाई, एनी स्पार्क बोरिंग फुटबॉल जो लूचो ने खिलाया था वर्ल्ड कप में एंड इट वॉज एविडेंट कि भाई चेंजेस चाहिए तो एक बार पता है क्या अगर के सिस्टम और स्टाइल को समझोगे उनके अगर आइडियोलॉजी को जानोगे ना तो इंटैक्ट तो आप देखोगे ना उनके जो सिलेक्शन रहे हैं और जिस तरीके के वो गेम्स खेले और गेम्स जीते हैं उनमें आप देखोगे ना हैव गॉन इन वेरी डायरेक्ट वे काफी ज्यादा क्रॉसेस डिपेंडेड विद बो, बोर्गे जिराड मोरेनो खिलाया उन्होंने होसुलू को खिलाया उन्होंने मोराटो को खिलाया अप्रोच जो लूचो के अंडर हम अक्सर देखे थे डैनी ओलमो होते हैं फिर इन दोस्तों ने क्या सबको ड्रॉप कर दिया उन्होंने कहा डायरेक्ट खेलेंगे तो जो बहुत ज्यादा बिल्डअप करते थे फ्रॉम द बैक वो सारी चीजें नहीं हुई दे वॉन्टेड टू बी मच मोर डायनेमिक मच मोर डायरेक्ट एंड यस दिस इज अ टीम हु इज मच मोर डिपेंडेड अपॉन द यूथ दे आर ऑन दे वेटरस क्योंकि आप यहां पे अगर सिलेक्शन देखोगे द दे प्लेयर्स का कोके मिस आउट कर रहे हैं इनगो मार्टिनेस मिस आउट कर रहे हैं बट देन देर लीडर्स देडर्स लाइक नाचो रॉटरी जैसे लीडर्स है अभी भी इस टीम में बट सबसे इंपॉर्टेंटली जो डीलाफूट ने किया है इस टीम में ना वो है इस टीम की कोर को स्ट्रॉन्ग करना अब डीलाफोट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है चाहे कोई भी हो कैसे भी फॉर्म हो भाई ऊनाए से मॉन स्टार्ट करेंगे गोल में ही डेफिनेटली विल बी प्लेंग ली नो क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है वो डीलाफूट के अंडर बाइट पाउ उटस खेले हैं कभी नहीं खेले हैं इज बी मिडफील्ड की बात करें तो रोटरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे उनके लिए और गावी इंजरी से पहले जो पिछले दस मैच स्पेन खेले ना भाई सब में गावी स्टार्ट किया था तो भाई बंदे को तो इंजरी हो गई इज नॉट गोइंग टू बी देर इन द यूरो जो कि बहुत बड़ा मिस होगा गया यहां पर डील के लिए टॉप दे हैव ऑलवेज हैड अ स्ट्राइकर इन मोराटा और होसलू और एनी वन लीड द लाइन एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाइड प्लेयर्स हु कैन बीट द प्लेयर्स लाइक निको लाइक यमाल लाइक येरिमी पीनो भी पहले खेल चुके हैं यहाँ पे तो ये सारे प्लेयर्स मेड अ डिफरेंस बट देन अगेन

खास नहीं है भाई लूचो के अंडर चाहे कुछ हो जाए भाई बंदा वार्सा पे स्टार्ट नहीं कर रहा है बट स्पेन में वो स्टार्ट कर रहा है एरिक गार्सिया तो भाई वी सी इवन आफ्टर अ गुड सीजन विद जिरोना एरिक गार्सिया नहीं है आईमिर लपोर्ट है अब ये सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा एज गुड एज हैज बीन फॉर स्पेन एंड फॉर अल नसर भाई अल नसर ने क्या 40 गोल्स कंसीड किए इस पूरी सीजन में ही डिट अ वेरी गुड सीजन बट दिन क्वालिटी उस बंदे की है उस बंदे की प्रोफाइल अच्छी है फॉर स्पैनिश फुटबॉल बिकॉज ही इज गुड ऑन द बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है पेस में कमी है बट ए रियली ही स्ट्रॉन्ग भाई फिटनेस का एक कंसर्न रहता है

थर्टी टू मैचेस में फोर्टीन गोल्स एंड फाइव असिस्ट अगर यहाँ पे ऑन परफॉर्मेंस आपको सिलेक्शन करना था स्ट्राइकर का गोरका गुरुजेटा एक ऐसा प्लेयर है एथलेटिक बिलबाओ के लिए ऑब्वियसली इज अ बास्क प्लेयर एंड क्योंकि यहाँ पे कोच भी बास्क नेचर के हैं इनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना मैं थोड़ा सरप्राइज था आई वॉज वॉन्टिंग टू सी गोरका गुरुजेटा इन द टीम बट देन अगेन मोराटा के हेड आप उनको कैसे ले जाओगे मोराटा भाई लॉन्ग स्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं स्पेन के लिए गोरका गुरुजेटा हैड टू डू समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड टू बी इन ओवर एर एहड ऑफ मोराटा बट भाई एक बात तो है बंदे का फॉर्म अच्छा था अभी येस बंदे को रिसेंट इंजरी

थर्टी वन गेम्स में इलेवन गोल्स ही हैज स्कोर्ड थर्टी ईयर्स ओल्ड पे भाई इसको पहला कॉल अप आया स्पेन के लिए दैट इज वेरी गुड फेर इन तो एंड लमी यमाल सो बेसिकली ये है आपके ट्वेंटी नाइन प्लेयर्स और पिछले मैचेस में अगर आप देखोगे ना तो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लगती है डीला डीलाफोड के सिस्टम में कि यार उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है इट्स इट्स डिफरेंट टू द स्टाइल ऑफ प्ले ऑफ लूचो एक फोर थ्री थ्री से हट के वो फोर टू थ्री वन में खेलते हैं जहाँ पे ही हैज गॉट मच मोर स्टेबिलिटी इन द मिडफील्ड फील्ड मेरिनो मेरीनो रॉड्री और जुबमेंडी फाबियान रूइस डबल पिवट में खेलते हैं एंड एफ टॉप ही प्लेज विद द टेन अब वो वेन में या तो गावी होते थे जब वो इंजरी उनको नहीं हुई थी डैनी ओलमो होते थे अब यहाँ पे फर्बिन लोपेज भी खेल सकते हैं बट पिछला अगर आप उनका लाइनअप देखोगे तो इस हिसाब से उन्होंने लाइनअप किया एक चीज़ बहुत कॉमन है ही हैज़ गॉन विद डायरेक्ट विंगर्स या तो वो जेरमी पीनो हो या तो यमाल हो या तो निको विलियम्स हो ही हैज़ गॉन विद डायरेक्ट विंगर्स ओया जबाल को भी उन्होंने व्हाइट पर खिलाया पाबलो सराबिया भी ड्रॉप करें थे मेजर मेसेज

टफ ग्रुप है सम पीपल वुड लाइक टू कॉल इट एज अ ग्रुप ऑफ डेथ इज वेल तो भाई स्पेन को यहाँ पे अच्छा करना होगा द नीड टू हैव अ सॉलिड टीम एंड मुझे लगता है काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पे जो दीलांट ने सिलेक्ट किया है ना ही इज ऑल्सो सेलेक्टेड एज पर द ग्रुप एज वेल ग्रुप से निकलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही गेम के लिए और आप इनके पिछले मैच देखो तो ब्रजी के अगेंस्ट एक थ्री थ्री का ड्रा था कोलंबिया से वन एल की लॉस थी जॉर्जिया को थ्री वन कंफर्टेबली उन्होंने हराया है साइप्रस के अगेंस्ट हुए हैं नॉर्वे के अगेंस्ट हुए हैं तो इट्स इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैच इन लोग को पिछले फिक्स में खेलने का मौका नहीं मिला है बट येस वन देव प्लेड अगेंस्ट बेटर टीम दे

रुइस और एलिक्स गार्सिया चार प्लेयर्स है जो कि इस डीएम एम पोजिशन के लिए खेल सकते हैं पे पर टॉप बाकी जो दो पोजीशन है जो दो नंबर एट पोजीशन है आई नो कि फोर टू थ्री वन का सेटअप रहेगा बट क्योंकि बंदू की प्रोफाइल जैसे आपकी ना वैसा मैंने सेटअप यहां दिखा है मिकिले नो एलिक्स बाइना मार्कस लोरेंटे अटैकिंग मिडफील्डर्स के तरीके से ज्यादा खेलते हैं पेदरी एंड फोर्मिन लोपेज ऑब्वियसली मोर ऑफ एन अटैकिंग नंबर एट साइड और यहाँ पे भाई चार सिक्स आप ले आ रहे हो जुबिमेंडी रॉड्री फाबियान रुईज मोर ऑफ अट आज खेला है पी पे पिछला सीजन प्लेड मोर ऑफ रन

जनरेशन टैलेंट है no मेरे ओपिनियन में ही विल भी प्लेइंग आगे आने वाले मैच में जहां पर भाई मौका मिलेगा बड़ी टीम अगेंस खेलेगा दे विल डेफिनेटली गो विद कु एज वे अब पता नहीं है फिल गो फॉर ओलिपिक और नॉट बट बाई नाचो को खेलना पड़ेगा मोर देन एनी अदर डिफेंड मोर देन

इजन फिर मेन को मैं प्रीफर करूंगा बट ऑलमो लॉन्ग स्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं भाई यहां पर स्पेन के लिए ही एज ऑलवेज डिलीवर्ड इसके बाद यहां पर और भी ऑप्शन है पेद्री कहां खेलेंगे यहां पर डू यू वॉन्ट टू प्ले रॉद्री पेदरी एंड डैनियोलू शुड हैपन पेद्री लेटली बार्सलोना के लिए डीपर रोल में खेले बट स्पेन के लिए मे बी वुड प्रिफर टू प्ले अपट हायर ऑफ द पिच बिकॉज आपके पास ऑलरेडी डीएम्स है पेटरी बार्सा पीप क्यों खेलता है भाई बिकॉज प्लेयर्स नहीं है हमारे पास एस ठीक है डीएम नहीं है तो ही नीड टू प्ले प्लेअ डीपर ताकि ऊपर खेल पाए स्पेन पे उसको जरूरत नहीं है स्पिन पर अगर पास मेरिनो है रॉड्रिक के अलावा तो भाई नॉर्मल रोल वो ऊपर एज एट स्लश टेन खेल सकता है सो दिस इज मुझे लगता है कि स्पेन लाइनअप करेगी बट आपके ओपिनियन में बेस्ट इलेवन क्या होगा स्पेन का एक बात हमें अंडरस्टैंड करनी है दिस टीम इज मोर फंक्शनल देन इट इज स्पार्कलिंग ये एक बहुत बड़ा लाइन है जो कि मैं ऐसे एक आर्टिकल में पढ़ा था इट एक्चुअली स्टक विद मी द टीम इज मोर फंक्शनल दैन इट इज स्पार्कलिंग सोचो भाई कितना अच्छे

कहाँ तक जाएंगे एक बार वो ग्रुप से निकल जाए ना देन आई बिलीव कि भाई इस टीम के पास एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तक जाने की कैपेसिटी है मैं इनको पता है मैं बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर रहा हूँ लॉर्ड ऑफ पीपल वुड से नहीं यार टीम जानी चाहिए सेमीफाइनल तक फाइनल तक बट ब्रो लेट्स फेस इट गाइस बेटर टीम्स हैं यहाँ पे ऑन पेपर बेटर टीम्स हैं जिनका स्टाइल ऑफ प्ले गोल्स काफी ज़्यादा है यहाँ पे स्पेन से स्पेन की बड़ी प्रॉब्लम है गोल्स कहाँ से लाएं कंसिडरेट स्कोरर्स इनकी टीम में कंसिस्टेंट स्कोरर्स इनकी टीम में होने चाहिए भाई ऑल दो दिलाफोन का जो सिस्टम है उसमें ही वुड वॉन्ट हैज अदर प्लेयर्स टू गेट इन वॉल्व इन स्कोर गोल्स एज वेल तो थोड़ा सा डायरेक्नेस भी वो रखता है क्रोसेज एक्सेट्रा आप देखते हो ब देआर प्लेयर्स हु कैन पॉप इन द गोल्स निको यमाल मिडफीड अगर आप पास डानी ओलमो है फेर एन थोस ऑफ द बेंच हो ऑफ द बेंच सो दे कैन गट दो गोल्स बट बॉयज काफी कुछ डिपेंड करेगा कि ग्रुप में वो कैसे खेल रहे हैं सो भी इनके पास फ्रेंडलीज होंगे कुछ तो हम देख लेंगे भाई कैसे टीम सेटअप कर रही है एंड बॉयज दैर इज दट फॉर दिस वीडियो होप यू लाइक द वीडियो इससे पहले भी हमने वीडियोज कव कर रखे हैं आप जाकर जरूर से प्ले